नमस्कार, मैं साक्षी और मेरे न्यूज लाइव में आप दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा के फॉलोअर्स का आंकड़ा 40 मिलियन के पार। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका चोपड़ा के दीवानों की संख्या पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रियंका को फॉलो करने वालों की संख्या 40 मिलियन यानी 4 करोड़ के पार हो गई है। प्रियंका चोपड़ा ने खुद एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। शेयर किए इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा के चेहरे पर इस बात की खुशी साफ दिख रही है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 40 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। आपको बता दें, प्रियंका ऐसी पहली भारतीय सेलिब्रिटी बन गई है जिन्होंने सोशल मीडिया पर 40 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया हो। अभी तक कोई भी बॉलीवुड स्टार इस जादुई आंकड़े को छू नहीं पाया है। आपको बता दें, निक जोनस के साथ शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा के फॉलोअर्स देश के साथ साथ विदेश में भी बढ़ गए हैं। फिर मुसीबत में घिरे आदित्य पांचोली। दर्ज हुए मारपीट और शोषण की शिकायत। बॉलीवुड स्टार आदित्य पांचोली एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। एक पुराने मामले में टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस की बहन ने उनकी ओर से आदित्य पांचोली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस की बहन ने उनकी ओर से एक ईमेल के जरिए मुंबई के वर्सोवा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 54 वर्षीय आदित्य पांचोली पर एक एक्ट्रेस की बहन ने कथित रूप से मारपीट और शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। कथित मामला करीब 13 साल पुराना है। इस सिलसिले में एंटरटेनमेंट पोर्टल मिडटेक ने आदित्य पांचोली से बात भी की। पोर्टल से बातचीत के दौरान पांचोली ने बताया कि दरअसल एक्ट्रेस के वकील ने उनके खिलाफ झूठा रेप का मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में रविवार को उनका बड़ा बयान दर्ज करा लिया गया है। जबकि एक पुलिस अधिकारी ने पोर्टल को इस बारे में बताया कि इस शिकायत के मिलने के बाद जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने शिकायत के बाद एक्ट्रेस से उनके बयान को दर्ज करने के लिए संपर्क भी किया था ताकि कथित शोषण के नेचर का पता लगाया जा सके और यह मामला सही धाराओं में दर्ज किया जा सके। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।